बकरीद पर्व को सफल बनाने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने लोगों से अपील किया है कि कोरोना काल को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए, जिससे किसी भी समाज को कोई परेशानी ना होने पाए। एसएसपी ने कहा कि कोविड 19 को देखते हुए जैसे हिंदू धर्म गुरुओं ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया, उसी तरह बकरीद पर्व को भी समाज के लोग बड़े ही शांति के साथ मनाएं और कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, जिससे कोरोना वायरस के तीसरे लहर से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, आने वाले जो त्योहार के लिए आज मेरे द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा पीस कमेटी मीटिंग भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी कस्बे और मोहल्लों के सम्रान व्यक्तियों को इनवाइट किया गया है, हर धर्म बरादरी के लोगों को बुलाया गया है। इसमें इन लोगों के बीच में हम लोगों के द्वारा अपील किया जाएगा कि आने वाले जो कोरोना जो तीसरे लहर के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि उसको लेकर हम लोग सक्रिय भी हैं और सख्त भी हैं, तो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने त्यौहार अपने घरों में ही मनाइए, कोशिश करिए बाहर ना निकलें और बड़े संख्या में कहीं इकट्ठे ना हो, और जिससे कि बीमारी का संक्रमण फैल सके, यही अपील हम करेंगे और यही आगे की हर धर्म और हर बरादरी के लोगों से यही हम अपील करेंगे कि तीसरे लहर से किसी भी सूरत में बचना है तो 100% हमेशा घर से जब भी निकलेंगे मास्क पहन के निकलें और बार बार हाथ धोएं, और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप खुद भी संक्रमित है या किसी बीमारी से, तत्काल उसका कोविड टेस्ट भी करा लें, अपना भी और अपने परिवार का भी खुद का ध्यान रखें। परिवार में कहीं कोई बुजुर्ग या बहुत कम उम्र के बच्चे हैं तो और अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है, यही अपील हम आज पीस कमेटी मीटिंग में। देखिए, सभी त्यौहार में जो है सौहार्दपूर्वक माहौल होना चाहिए और यहाँ पर गोरखपुर में इतिहास में हमेशा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है, त्यौहार के दिन कभी इस तरह से घटनाएं नहीं हुई है, आगे भी यही परंपरा बरकरार रखने के लिए अपील किया जाएगा। जो परंपरागत चीज़ें जो भी होता आया है उस संबंध में हम लगातार उनसे टच में हैं, खासकर जैसे कांवड़ संबंध में जो हिंदू संगठन या हिंदू धर्म गुरु और जो कांवड़ जो कमिटी समिति के लोगों ने खुद भी अपील किया कि इस साल कांवड़ ना लिया जाए और कांवड़ के लिए घर से ना निकला जाए और घर पे ही अपना पूजा मंदिर में ही अपना पूजा कर लें, तो ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज है। जैसे कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो धार्मिक लोगों ने ये चीज़ अपील किया है और पब्लिक का ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली गया है, ऐसे ही सामूहिक इसमें एकत्रित होकर कोई इस तरह से कार्यक्रम ऐसा ना रखें जैसे कि वो जो कोरोना की बीमारी फैले, और अपने भाईचारा बना के अपने सारे त्यौहार निभाएं। कहीं कोई घटना होते हुए दिख रहा है या होने का संभावना है, तत्काल पुलिस को सूचना दें, AP 112 डायल करें।